आज हम बनाएंगे एक कच्चे आलू से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करें और अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज के आलू को छिलकर इस तरह से धोकर ले लिया है। मैंने यहाँ पे कच्चे आलू ले लिया है। हम यहाँ पे जो ग्रेटर की बारीक वाला हिस्से है इससे इस आलू को कद्दूकस कर लेंगे। हमने आलू को इस तरह बारीक वाले हिस्से से ग्रेट करके ले लिया है। आलू को ग्रेट करने के बाद में बहुत देर तक इस तरह से ना रखें, नहीं तो आपका जो आलू है ना वो काला पड़ सकते हैं। आप जिस टाइम नाश्ता बनाए उसी टाइम हाथों हाथ आलू को ग्रेट कर ले। हम इसमें ऐड करेंगे एक कटोरी सूजी। मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बारीक वाला ना हो तो फिर आप एक बार मोटी वाली सूजी को मिक्सर जार में पीस कर ले ले। मेजरमेंट के लिए अगर आप एक ही बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो रेसिपी है एक बार में बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसी कटोरी से मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधी कप दही। सेम कटोरी से यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एक कटोरी पानी। अब हम यहाँ पे कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। जो भी आपको सब्जियां पसंद हो आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शिमला मिर्च ले लिया है, साथ में यहाँ पे थोड़ा सा जो है टमाटर को काट कर ले लिया है। इसी के साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, और आप हरा धनिया की जगह पे कस्तूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर मिर्ची की जो क्वांटिटी है इसे कम भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्पाइसी है। साथ में एक ही अदरक को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके ले लिया है। तो हमने यहाँ पे प्याज को भी काट लिया है एक मीडियम आकार का। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नाश्ते को चटपटा टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ आधी चम्मच चाट मसाला। आप चाहे तो अमचूर पाउडर या फिर आधी नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सारे सामग्री को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण कुछ इस प्रकार से रेडी हुई है। ना तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज्यादा पतला है, यानी आप अगर मेजरमेंट जो है परफेक्ट तरीके से लेंगे तो आपका जो नाश्ता है एक बार में परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम इस नाश्ते को 7 से 8 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, इससे हमारे सूजी जो है अच्छे से फूल जाएगा। 7 से 8 मिनट बाद में आप देख सकते हैं हमारा जो मिश्रण है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फूल कर रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह की हमें जो मिश्रण को तैयार करके लेनी है। कढ़ाई में मैंने 2 छोटे चम्मच ऑयल डाल रखे थे गरम होने के लिए। इधर हमारा तेल जो है गरम हो चुके, आधी चम्मच यहाँ पे जीरा डालेंगे। इसी के साथ आधी चम्मच व्हाइट वाले तिल डालेंगे। आप चाहे तो तिल की जगह पे राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल और राई को हल्का सा चटका लेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। हमने तिल और राई को समय से देखे तो आधी सेकेंड तक जो है फ्राई कर लिया है। आगे हमने जो मिश्रण बनाकर तैयार किया है उसे डाल देंगे। मिश्रण को चम्मच की सहायता से इस तरह फैला देंगे। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार नाश्ते का जो साइज है इसे छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। मैंने कढ़ाई में बनाया, आप चाहे तो इसे तावे में भी बना सकते हैं। ये जो मिश्रण है इसको हम इस तरह बराबर मात्रा में फैला देंगे। और आप देख सकते हैं हमने मिश्रण को चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला दिया है। अब ऊपर से भी हम थोड़ा सा गार्निश के लिए डाल देंगे तिल। जिस टाइम हम इसे पलटेंगे नाश्ते को ताकि दूसरी तरफ से भी तिल का फ्लेवर और टेस्ट अच्छे से आ जाए। साथ में थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर देंगे, यानी कि दूसरी तरफ भी सेम तरीके से फ्राई होकर फ्लेवर आ जाए। अब गैस को धीमा करके 2 से 3 मिनट के बीच में ढककर पकाएंगे। इससे हमने जो सब्जी ऐड की है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं नाश्ते का जो कलर है देखने से पता लग रहा है एक साइड से अच्छे से पक चुकी है। इसके साथ ही हमारे जो सब्जियां है अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे ले लेंगे एक प्लेट, इसे इस तरह से ढक देंगे और इस तरह से हम इसे पलट देंगे। तो जी आप देख सकते हैं नाश्ता हमारा एक तरफ से बहुत ही बढ़िया तरीके से सिककर रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे भी धीरे से डाल देंगे और दूसरी तरफ भी हम सेम प्रोसेस को कर लेंगे, यानी 2 से 3 मिनट के बीच में ढककर पका लेंगे ताकि दूसरी तरफ भी हमारी नाश्ता जो है अच्छे से पककर रेडी हो जाए। मैंने नाश्ते को सेम तरीके से यानी प्लेट में लेकर 1 से 2 बार और पलट दिया था। तो कलर दे सकते हैं बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुकी है। इसमें जब इस तरह के कलर आ जाए और साथ ही जब ये नाश्ता तैयार होती है ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आती है, तो उसी टाइम हमें गैस को ऑफ कर देनी है और नाश्ते को जो है उतार लेनी है। तो जी तैयार है हमारा गर्मा गर्म क्रिस्पी टेस्टी खास्ता नाश्ता बनकर। और इसके साथ ही ये जो नाश्ता है ना बहुत ही कम तेल में बहुत ही कम सामग्री में बनकर रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो इस नाश्ते को ऐसे भी परोस सकते हैं या फिर आप किसी भी केचप या चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इतना ज्यादा जूसी और सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है। आप भी इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें, एक मैंने सभी को काफी ज्यादा पसंद आएगा।